नमस्कार, मुकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। ग्राम पंचायत बोरावड़ प्रथम बैठक के बाद से कस्बे के सौंदर्यीकरण एवं स्वच्छता और विकास को लेकर विशेष अभियान छेड़ दिया है। जागरूकता वार्ड पंच सरपंच भंवरलाल मेघवाल के नेतृत्व में रात और दिन जज्बा और जुनून के साथ विकास कराने में जुटे हुए हैं। रेलवे स्टेशन के सामने पड़ी रेलवे भूमि है जहां पर पानी निकासी का नाला बना हुआ है, उस पर कतिय पे लोगों द्वारा अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते मुख्य सड़क मार्ग संकरा होने से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। बारिश के मौसम में गंदगी फैल जाती है। ग्रामीणों की मांग पर आज जेसीबी की मदद से संपूर्ण गंदगी को हटाया जाकर नाले को अतिक्रमण की जद से मुक्त कराया गया। इसके साथ ही ग्राम पंचायत रेलवे विभाग की अनुमति लेकर इस स्थान पर पर्यावरण सुरक्षा के लिए शीघ्र वृक्षारोपण करेंगी ताकि भविष्य में फिर से कोई अतिक्रमण न हो। गाँव को स्वच्छ और सुंदर बनाने की मुहिम को तेज गति से आगे बढ़ाते हुए पंचायत के खेड़ा शास्त्री कॉलोनी छापर बस्ती क्षेत्र सार्वजनिक तालाब के आसपास बड़ी गंदगी को भी जेसीबी ट्रैक्टर टोली से कचरा निराकरण करवाया गया। इस मौके पर पूर्व उप सरपंच अयुब गोरी, वार्ड पंच गजेंद्र सिंह बोथरा, लूना राम, दीनदयाल भाटी, भोला राम ओड़, दिव्या चैन, टीकम चंद, दर्जी पंडित विमल पारिक आदि लोग उपस्थित रहकर स्वच्छता की मुहिम को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। जागरूक पार्षदों की मंशा है कि सुंदर, स्वच्छ और डिजिटल मॉडल के रूप में विकसित हो। गांव का मुख्य ग्राम पंचायत की तरफ से आप क्या करना चाहोगे कि जो विकास कार्य चल रहा है? ग्राम पंचायत की तरफ से मैं कहना चाहूँगा, हमारे सम्मानीय मोहनलाल जी मेघवाल सरपंच साहब, गजेंद्र जी मोहता, अयूब जी गोरी, भोलाराम जी और दीनदयाल जी भाटी और सुरेश जी अपने जो वार्ड मेंबर साहब वाल्मीकि और सभी सरकारी इनके नेतृत्व में और युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और गांव को एक कांच के दर्पण की तरह गांव में आने वाले मेहमान, हमारे किसी भी उनका मेहमान आए, उनका मन गांव को देखते प्रसन्नचित होना चाहिए। विकासशील गांव की दृष्टि की ओर से ये गांव देखा जाएगा किसी के तौर पर, आने वाले तौर पर। ज्ञान कॉलोनी से 25 नंबर वार्ड से मैंने सरपंच साहब को कहा था, नालियों के वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, हाथी गेट पे पानी इकट्ठा हो रखा था, फिर सरपंच साहब को बोलने के बाद ये प्रोसेस चल। बोरावड़ ग्राम पंचायत बोरावड़ के सबलपुर रोड डला की नाड़ी के पास गोवंश मृत तथा दो घायल अवस्था में मिले पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सूचना पर पुलिस चौकी प्रभारी राजेंद्र सिंह सरपंच भंवरलाल मेघवाल, वार्ड पंच गजेंद्र सिंह बोथरा, पूर्व उप सरपंच अयुब गोरी, दीनदयाल भाटी, भोलाराम ओड़ आदि मौके पर पहुंचे। पशु चिकित्सक डॉक्टर पांडे ने दो घायल गायों का प्राथमिक उपचार किया एवं मृत गायों का पोस्टमार्टम किया और बताया जा रहा है कि जहरीला घास खाने से गायों की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का खुलासा हो सकेगा। ग्राम पंचायत प्रशासन ने जेसीबी बुलाकर खड़ा खोदकर दफनाया है। इसके साथ ही मौके पर हिंदू गौ सेवा समिति पदाधिकारी सुरेश कुमार, शक्ति सिंह आदि मौजूद रहे।
बोरावड़ कस्बे के शास्त्री व मंशा देवी कॉलोनी में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले के बाद से ही उक्त क्षेत्र को उपखंड अधिकारी की ओर से जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। उक्त क्षेत्र में पंचायत के सहयोग से पीईओ राम सिंह, नेत्रा पटवारी, संपत सिंह, वार्ड पंच भगवती देवी पारिक, पंडित विमल पारिक आदि ने बैरिकेड लगाकर मुख्य रास्तों को सील किया है। कुचामन क्षेत्र में खरीफ की फसलों में सफेद लट का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब की बारिश की कमी के कारण मूंगफली बाशे की फसलों में सफेद लट के नुकसान की काफी आशंका है। कुचामन क्षेत्र में खरीफ की फसलों में सफेद लट के प्रकोप से किसानों की मेहनत पर पानी फिसलता नजर आ रहा है, जिसको देखकर क्षेत्र में किसानों के चेहरों पर उदासी देखी जा रही है। सफेद लट ने जहां बाजरे की फसल की जड़ों को काटकर 30-70% तक फसलों को बर्बाद कर देती है, वहीं मूंगफली की फसल को भी इससे काफी नुकसान पहुंचा है। दीपुरा ग्राम पंचायत के युवा किसान परसाराम भुगालिया ने बताया कि सफेद लट सफेद रंग की होती है, जिसका सिर भूरा तथा जबड़े का भी मजबूत होते हैं, जिसको आम बोलचाल की भाषा में गोजा लट कहते हैं, जो कि किसानों के लिए विनाशकारी किट है। इसके साथ ही किसानों के खेतों में आमतौर पर खरीफ की फसलों को जैसे मूंग, मोट, बाजरा, मक्का, तिल, सब्जियां, मूंगफली सहित फसलों की जड़ों को काटकर नुकसान पहुंचाया है। यह विनाशकारी गोजा लट आमतौर पर किसानों के खेतों में खरीफ की फसलों की जड़ों को काटकर 30-70% तक फसलों को बर्बाद कर देता है। किसान परसाराम भुगालिया और मुन्नालाल काचवाल का कहना है कि क्षेत्र में खरीफ की फसलों में सफेद गोजा लट का प्रकोप बढ़ रहा है। बारिश की कमी के कारण मूंगफली बाजरे की फसल में सफेद गोजा लट से काफी नुकसान हुआ है। आसपास के गांव में सफेद गोजा लट का प्रकोप देखा गया और रेती भूमि में खरीफ की फसल में सफेद गोजा लट से नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही मूंगफली और बाजरे की फसलों के पौधे की जड़ों में सफेद गोजा लट काफी संख्या में पैदा हो चुकी है, जो फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने बताया कि महंगे भाव का बीज खरीदकर खेतों में बुवाई की थी, लेकिन कम बारिश के कारण फसलों की ग्रोथ बढ़ने से पहले ही फसल सूख कर नष्ट हो रही है। वहीं क्षेत्र के किसानों का कहना है कि इस बार बारिश कम होने की वजह से मूंगफली की फसलों में सफेद गोजा लट से नुकसान अधिक होने की आशंका है। किसान परसाराम भुगालिया और मुन्नालाल काचवाल का कहना है कि क्षेत्र में पिछले हफ्ते भर से बारिश का दौर थमने से किसानों के सामने दो समस्या एक साथ खड़ी हो गई है, जिसमें बारिश के अभाव में फसलें नष्ट हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ फसलों में गोजा लट का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। बारिश नहीं होने के कारण फसलें खराब होने की स्थिति है, तो वहीं सफेद गोजा लट के प्रकोप से फसलों को नुकसान होने की भी चिंता सता रही है। इसके साथ ही परसाराम भुगालिया व मुन्नालाल काचवाल ने मीडिया के माध्यम से मांग की है कि कृषि विभागीय अधिकारी सभी गांवों में शिविर लगाकर सफेद गोजा लट नियंत्रण के उपाय बताए, ताकि क्षेत्र के किसान सफेद गोजा लट से अपनी फसलों को बचा सके और अधिक पैदावार कर सके। श्री कुचामन गौशाला कार्यकारिणी के चुनाव गौशाला प्रांगण में साधारण सभा की मीटिंग में चुनाव अधिकारी डॉ. विजय कुमार गुप्ता एवं रघुनंदन शर्मा के सानिध्य में संपन्न हुए, जिसमें वर्तमान कार्यकारिणी के द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों को देखते हुए उपस्थित सभी सदस्यों की सम्मति से वर्तमान अध्यक्ष नंद किशोर बिरला, सचिव किशोर सेवदा, कोषाध्यक्ष महावीर प्रसाद वुडसोवाला को फिर से अगले 3 वर्ष के लिए चुना गया है तथा शेष कार्यकारिणी गठित करने का दायित्व नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को दिया। इससे पहले अध्यक्ष नंद किशोर बिरला ने सदन को वर्तमान कार्यालय में हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी एवं सभी सहयोगियों तथा नियमित भामाशाहों का एवं विशेष रूप से नगरपालिका और पशुपालन विभाग द्वारा सहयोग का आभार व्यक्त किया। इस दौरान रामस्वरूप रांदड़, नटवरलाल वक्ता, श्याम सुंदर मंत्री, श्याम सुंदर लहोया, नंद किशोर अग्रवाल, मोहन प्रकाश मालपानी, रंगनाथ काबरा, शिव कुमार अग्रवाल, राम काबरा, अशोक काला, सुनील माथुर, श्याम सुंदर सैनी, डॉक्टर गोविंद राम चौधरी, राधेश्याम, सुरेश बंसल, गोपाल लाटा, सुभाष रावका, पवन जैन, टीकाम चंद तोलंबिया, नरेंद्र शर्मा, हरिमोहन बिड़ला, रवि काबरा, हनुमान सोनी, नेहरू पहाड़िया, बजरंग सिंह, राजपुरोहित, रामकिशन माली, मिठूलाल माली, रविन्द्र खटीक, मनीष काबरा, जय कुमार जैन, अरविंद तोशिनवाल, दामोदर लाल झवर, मुरलीधर गोयल, सुनील चौधरी, मुरारी गोड़, महेश काबरा, बनवारी लाल मोड, राजकुमार जैन, संपन्न संपत सोमानी, पवन मंडावाला, कमल तोशिनवाल, प्रवीण शर्मा, बाबूलाल मानधनिया, मुरली मनोहर स्नेही, विमल मुंदड़ा,
कमल मंत्री गोपाल बंसल, पूसा लाल शर्मा, सत्यनारायण मोर, कमल मालपानी, राजकुमार सोनी, श्याम सुंदर चोटिया एवं उपस्थित सभी सदस्यों ने निर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और कार्यक्रम का संचालन रंगनाथ काबरा ने किया। अंत में अध्यक्ष नंद किशोर बिरला ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। मकराना तहसील के गांव जूसरी में एक पीड़ित परिवार को रॉयल ग्रुप के सदस्यों ने घर जाकर आर्थिक सहायता राशि भेंट की है। जूसरी गांव के अजीत सिंह, जिनके रीढ़ की हड्डी एक्सीडेंट में टूट गई थी, जो पिछले 5 वर्षों से बिस्तर पर ही थे, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण इलाज नहीं करवा पा रहे थे। ये जानकारी जब रॉयल ग्रुप के सदस्यों को मिली तो उसी समय ग्रुप के सदस्यों ने पीड़ित परिवार की मदद करने की ठान ली और रॉयल ग्रुप के सदस्यों ने उनके घर जाकर उनके इलाज के लिए 51,000 रुपए दिए और इसके साथ ही उनको राशि भेंट और उनका हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। रॉयल ग्रुप की तरफ से कहा गया कि इस अवसर पर रॉयल ग्रुप स्थापक रविंद्र सिंह चिंडालिया, जोगिंद्र सिंह रूपुरा, देवेंद्र सिंह चिंडालिया, करण सिंह लिचाना, मनवीर सिंह केराप, महिपाल सिंह खारड़िया, गजराज सिंह सुंदरियावास, शिवराज सिंह गुनावती, जीवराज सिंह गोगावास, दिलीप सिंह लाडोली आदि उपस्थित थे। अब वो जो पांच वाला है उसके लिए खर्चा बोल रहा है, नाम चेंज कर दिया, बाकी तो एक वो बना हुआ है, वो भी आ गया। आप तो कोई भी समस्या हो आप बता देना। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच क्षेत्र के लिए बेहद राहत की खबर है। जी हां, मकराना लगन शाह हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर इमरान कोरोना योद्धा के रूप में सेवा देते हुए खुद कोरोना की चपेट में पॉजिटिव हो गए थे। 12 दिन कोविड केयर सेंटर में भर्ती लेकर उपचार लिया और स्वस्थ होकर घर लौटने पर परिजनों और पड़ोसियों व चिकित्सालय स्टाफ ने डॉक्टर इमरान का पुष्प वर्षा कर और ढोल बजाकर स्वागत किया और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दी। मकराना शहर के माता भार रोड स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान पब्लिक स्कूल द्वारा बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के साथ स्वर्णगिन विकास हेतु ऑनलाइन न्यूज़पेपर फ्रेंड्स ड्रेस प्रतियोगिता एवं मैच स्टिक्स अल्फाबेट्स प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रधानाचार्य कृष्णा दादीश ने बताया कि बच्चों का ऑनलाइन पढ़ाई के प्रति लगाव विकसित करवाने व तनाव को कम करने हेतु समय समय पर पढ़ाई के साथ ऑनलाइन प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। बच्चों को न्यूज़पेपर से भिन्न भिन्न प्रकार की पोशाकों के निर्माण करने की कला बताई गई। प्रतियोगिता संयोजक माया वर्मा ने बताया है कि अंग्रेजी माध्यम के बच्चों ने न्यूज़पेपर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में अनेकों रूपों धरे, जिसमें चार्ली चैपलिन, डॉल परी, कोरोना एडवाइजर मुख्य रूप से शामिल थे तथा जूनियर क्लासेस के बच्चों ने माचिस की तिल्लियों से वर्णमाला बनाकर सुंदर लिखावट के साथ प्रस्तुत किया। विद्यालय प्रबंधक किस्मत राठौर ने बताया कि न्यूज़पेपर फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन कृष्णा जानिर प्रथम, आदित्य सारण द्वितीय रहे। वहीं मैच स्टिक्स अल्फाबेट्स कॉम्पिटिशन के सीनियर वर्ग में समीर प्रथम व भावेश द्वितीय तथा जूनियर वर्ग में नितेश प्रथम व रुकिया ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच क्षेत्र के लिए बेहद राहत की खबर है। लगन शाह हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर इमरान कोरोना योद्धा के रूप में सेवा देते हुए कोरोना की चपेट में पॉजिटिव हो गए। इसके साथ ही 12 दिन कोविड सेंटर में भर्ती के बाद में उपचार लिया और स्वस्थ होकर घर लौटने पर परिजनों ने और पड़ोसियों व चिकित्सालय स्टाफ ने डॉक्टर इमरान का पुष्प वर्षा कर ढोल बजाकर स्वागत किया। परबस्त निवासी सुशीला जयपाल को राजस्थान मेघवाल परिषद की नागौर जिला उपाध्यक्ष व कैलाश मुंडवालिया को ब्लॉक अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। राजस्थान मेघवाल परिषद के जिला संयोजक नाथुराम बेगड़ ने समाज के दोनों प्रतिभागियों को नियुक्त प्रदान करने के हेतु समाज हित में गठन को मजबूत करने के निर्देश दिए।
कुचामन शहर में हिंदू युवा वाहिनी व मानसिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में डोगरी वाले बालाजी परिसर में पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया और इस अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी जिला अध्यक्ष ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले समय में कुचामन में जहां पौधे रोपण की आवश्यकता होगी हिंदू युवा वाहिनी एवं मानसिंह चैरिटेबल ट्रस्ट शहर में पौधारोपण निरंतर कार्यक्रम करेंगी। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री योगेश शर्मा, जिला अध्यक्ष मदन लाल कुलड़िया, जिला महामंत्री महावीर सिंह चंपावत डेगाना, जिला मंत्री राहुल जैन, मानसिंह चैरिटेबल ट्रस्ट से जितेंद्र सिंह राजपुरोहित, इसके साथ ही समाज सेवी सुरेंद्र सिंह दीपुरा, जिला मीडिया प्रभारी गजेंद्र सिंह आनंदपुरा, नगर अध्यक्ष नेमीचंद कुमावत, तहसील अध्यक्ष श्रवण सिंह डूकिया आदि उपस्थित रहे। कुचामन के सामाजिक संगठन जितने भी है वो सारे इस कार्य में सहयोग देते हैं, आपस में मिलजुल के हम काम करते हैं और कुचामन को हरा भरा बनाने के लिए इनका जो संकल्प है बहुत सराहनीय कार्य है। गायत्री परिवार भी कर रहा है, गायत्री परिवार ने 1000 पौधे लगाने का संकल्प किया है। आज हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से क्या आयोजन रखा गया? आज हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से मतलब विस्तार होने के बाद पहली मीटिंग रखी गई है। इतने दिन लॉकडाउन की वजह से कोई मीटिंग का नहीं हुआ, आज पहली मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि कुचामन शहर को हरा भरा बनाने के लिए सबसे पहले डोंगरी वाले बालाजी के यहाँ से पौधे लगाकर शुरुआत की गई है। हर मोहल्ले वाइज पौधे लगाएंगे और इससे पर्यावरण शुद्ध रहेगा। हिंदू वाहिनी का ये कार्य बहुत सराहनीय कार्य है। कुचामन शहर को हरा भरा कराने की भी इच्छा है और ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम लोग जैसे लॉयंस क्लब फॉर और गायत्री परिवार ने संकल्प कर रखा है, हमने हजारों पौधे लगाने का संकल्प है, जिसके अंदर आप लोग भी हमारे साथ में शामिल है और हमने भोमराजगा स्कूल में भी। नागौर जिला कलेक्टर का पदभार संभालने वाले डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी पहली बार कुचामन पहुंचे। सबसे पहले जिला कलेक्टर डॉक्टर सोनी ने कुचामन अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में विकसित की गई कोविड केयर वार्ड की व्यवस्थाओं के बारे में पीएमओ डॉक्टर शकील राव से जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्य, दवा वितरण केंद्र, ओपीडी यूनिट, चाइल्ड केयर यूनिट का अवलोकन करने के साथ साथ सफाई व्यवस्थाओं को देखा और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शकील व वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विवेक के गुप्ता से आवश्यक जानकारी ली। इसके बाद जिला कलेक्टर ने उपखंड कार्यालय में अधिकारियों की एक बैठक ली। बैठक में कुचामन में संचालित हो रहे केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि आने वाले दिनों में नागौर जिले में जिला प्रशासन का यह लक्ष्य रहेगा कि सरकार की योजनाओं का जो भी पात्र है उन्हें सरकार के उन सभी योजनाओं का लाभ एक साथ मिले जिनके लिए वे पात्रता रखते हैं। उन्होंने नागौर जिले वासियों के लिए कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए संदेश जारी करते हुए कहा कि फिलहाल नागौर जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण अन्य जिलों की तुलना में कम है, लेकिन कोरोना वायरस से नागौर जिला मुक्त हो उसके लिए जरूरी है कि आमजन भी प्रशासन को सहयोग करे और कोरोना वायरस के बारे में जागरूक रहे। सोशल मीडिया को एक प्रमुख और सशक्त माध्यम बताते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कहा कि आने वाले दिन में सोशल मीडिया को नागौर जिले की जनता और प्रशासन के बीच सेतु की तरह प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार हम देखें तो मोटे मोटे तौर पर हम मान सकते हैं कि 1,20,000 रुपए जिसको अगर मकान के मिलते हैं, 17,900 के करीब उसको जो नरेगा की लेबर है वो मिल रही है, 12,000 रुपए उसको शौचालय के मिल रहे हैं। इसके बाद अगर मैं जोड़ू अलग अलग चीजें तो कैटल शेड जोड़ सकते हैं, टांका जोड़ सकते हैं, उसकी जो उज्ज्वला का कनेक्शन है वो जोड़ सकते हैं, बिजली कनेक्शन उसको जोड़ सकते हैं और इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो पेंशन है वो देख सकते हैं। अगर विधवा है और पालनहार के लिए पात्र है ऐसी स्थिति में उसके बच्चों को पालनहार का लाभ दिया जा सकता है।
तो कोशिश ये रहेगी कि एक तो हम इस चीज़ पे काम करें, दूसरा जो मकसद है वो ये है कि क्योंकि यहाँ मैंने देखा विशेषकर कुलामन में मैंने देखा कि शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, वो जगह जगह स्कूल्स के जो नेम है उन सबके अभी डिफेंस अकेडमी डिफेंस वर्ल्ड लगा हुआ, तो यहाँ का जो युवाओं की जो रुचि है उसके मद्देनजर मुझे ये लग रहा है कि खेल मैदान को हम विशेषकर टेकअप कर सकते हैं और खेल मैदान नरेगा में एक अनुमत कार्य है, ऐसी स्थिति में हमने वीडियो साहब से डिस्कस किया है, इसके लिए काम करेंगे। आज SDM वीडियो तहसीलदार और EO से हमने जो बात की है उसमें ये पाया कि शहर के अंदर यहाँ की जो बहुत सारी अच्छी समितियाँ हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही सेवाभावी और समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं। मैंने अभी यहाँ का जो SDH है उसको विजिट किया, गच्छीपुरा में शुक्रवार देर रात मकराना तहसील की ग्राम पंचायत गेहड़ा कला में एक सांड की मौत को लेकर एक व्यक्ति ने सरपंच के रिश्तेदारों पर सांड को लाठियों से पीटकर मारने का आरोप लगाते हुए गच्छीपुरा पुलिस थाने में 5 साल 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट पेश की, जिस पर पुलिस ने परिवाद दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मोड़ी भिका निवासी पूरण सिंह पुत्र सम्मान सिंह राजपूत ने रिपोर्ट देकर बताया कि जेतमाल नाड़ा ने एक मत सांड पड़ा है जिसको 5-7 लोगों ने लाठियों से पीट पीट कर मार दिया, जिसमें पुलिस ने परिवार दर्ज कर शनिवार को मत सांड का मेडिकल बोर्ड पशु चिकित्सक डॉक्टर मनोज सोनी, डॉक्टर सुनील चौधरी, कंपाउंडर देवकरण सारण, राकेश पुरी से पोस्टमार्टम करवाया गया। सरपंच मुकेश द्वारा ने बताया कि गांव में आवारा पशुओं से किसान परेशान थे, आवारा घूम रहे थे, पशु किसानों के खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाने पर ग्राम सभा में प्रस्ताव लेकर मेरे स्वयं के खेत में अस्थायी गौशाला बनाकर चारे पानी की व्यवस्था कर रहे थे, उसी दौरान एक दो सांड आपस में लड़ रहे थे, उनको पकड़ते समय एक सांड दीवार फांद कर कूद गया जिससे उसकी मौत हो गई और चुनावी रंजिश के कारण मेरे रिश्तेदारों के खिलाफ सांड को मारने का आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दी। झूठा परिवाद दर्ज कराने पर सैकड़ों किसान हो गए उग्र और इसके साथ ही किसानों ने बताया कि सरपंच के द्वारा किसानों के खेतों में फसलों को बचाने के लिए अपने खर्चे पर गाय के लिए चारे पानी की व्यवस्था कर अस्थायी गौशाला में एकत्रित किए थे, उसी दिन सांड की मौत होने पर एक व्यक्ति ने परिवाद पेश कर दिया जिससे किसान भड़क गए और रिपोर्टकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर उग्र हो गए। गोरक्षा दल के जिलाध्यक्ष करण सिंह आनंदपुरा व जन अधिकारी सेना नागौर के राजवीर सिंह मनाना ने डीगाना डिप्टी नविता खोकर व SHO को ज्ञापन देकर गौ हत्या करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए डीगाना पुलिस सहित डिप्टी नविता खोकर व गच्छीपुरा पुलिस मकराना SDM सिराज अली जेदी ने किसानों से समझाइश कर मामले को शांतिपूर्वक निपटाया। थानाधिकारी अब्दुल रऊफ खोकर ने बताया है कि परिवाद दर्ज कर जांच के तो सामने आया कि सरपंच मुकेश द्वारा ने किसानों की मांग पर आवारा गायों को अस्थायी गौशाला में एकत्रित करने पर दो समय सांड आपस में लड़ रहे थे और उसी टाइम पे एक सांड घायल हो गया और दूसरा सांड दीवार फांद कर कूदते समय गिर गया, जिससे थोड़ी देर बाद ही सांड की मौत हो गई, जिससे मेडिकल वार्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया और ऐसे मौके पर कराना SDM सिराज अली जेदी, डिप्टी नविता खोकर, डेगाना पुलिस, गच्छीपुरा पुलिस, गोरक्षा दल के जिला अध्यक्ष करण सिंह, जनसेवा अधिकार के राजवीर सिंह, पूर्व सरपंच बिरमा राम बालबल, सरपंच मुकेश डारा इटावा, लाखा सरपंच परसाराम छरंग सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। फिलहाल मकराना बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए न्यूज फ्लैश के साथ। नमस्कार।